डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती अर्थात हिंदी कक्षा 6। ये आपको पुस्तक 2024-25 में भरने के लिए दी गई है। तो इसके हम यहाँ पर इस वीडियो में पार्ट 9 देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। हमने लास्ट में एक वीडियो लगा रखा है जिसमें आपको बताया गया कि किस प्रकार से आपको एक से लेकर पूरे पार्ट आपके कम्प्लीट देखने हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट 9 है जिसका हम देखने वाले हल, इसका नाम है पद और दोहे। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाएंगे, इसके बाद मेन प्रश्नों पर आएंगे। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, यह इन पंक्तियों की रचना किसने की थी। ऑप्शन है आपका रहीम, कबीर, मीरा या कलाम। तो इसका सही हो जाएगा आपका रहीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। तो यहाँ पर ये दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, तो क्या लिखा है देखिए। काल करे सो आज कर, पंक्ति में काम कब करने की बात को कहा गया है। ऑप्शन है आपका वर्तमान में, भविष्य में, आने वाले कल में या बीते हुए कल में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तीसरा है प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है प्रति, ता, इत, तित। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, इत। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका चौथा, तो क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार छांटना है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं 4, इनमें से जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां, तो क्या लिखा है देखिए। मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है। ऑप्शन है संसार, संपत्ति, मोती, परिवार। तो इसका सही हो जाएगा आपका मोती। इसके बाद हम अगले क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ये हमारे दिए गए हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन्हीं से को छांटकर हमें नीचे जो दिए गए हैं रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है। तो आइए पहला देख लेते हैं क्या लिखा है। 6वां दिया है क्वेश्चन और रिक्त स्थान पहला, त्रिशूल शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें आपको भरना है तिर। अगला है चिल्लाना प्लस आहट से मिलकर जो बनेगा वो हो जाएगा आपका चिल्लाहट। 8वां है श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को के क्रोध यहाँ पर कोप से बचने के लिए उठाया था। तो इसका हो जाएगा आपका इंद्र। 9वां है किसी के प्रति कोई भी यहाँ पर भी आपका ये दिया गया है ना, यहाँ पर लिखा है सहानुभूति ना रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका शीतल। इसके बाद 10वां है, यहाँ लिखा है कुसंग शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका यह वाला आंसर, सुसंग। इसके बाद देखिए मिला लीजिए एक बार और, पहले में हमें भरना है तिर और दूसरे में भरना आपको चिल्लाहट, तीसरे में आपको भरना है इंद्र, चौथे में आपको यहाँ पर भरना है शीतल और पाँच में आपको भरना है यहाँ पर सुसंग। आशा करते हैं आपने अच्छे से मिला ली होंगी। इसके बाद हम क्वेश्चनों को देखते हैं इसके। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये दिया गया है पहला, जो 11वां है आपका, लिखा है मीरा को किस बात की चिंता थी। ठीक है, नहीं थी, यहाँ पर ये लिखा चिंता नहीं थी। तो यहाँ पर लिखेंगे तो किस बात की चिंता नहीं थी, तो यहाँ पर हो जाएगा मीरा का श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं था इसलिए उन्हें किसी की चिंता नहीं थी, और लाज की भी चिंता नहीं थी, उन्हें किसी भी लाज से और श्रम से वो मुक्त थी। ये आपका 12वां है, कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला। तो कबीरदास स्वयं, जब उन्होंने खुद को देखा तो उनको अपने अलावा कोई और बुरा नहीं मिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12 है, तो क्या लिखा है। लाज शब्द का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर यह दिया है, तो लाज शब्द का अर्थ होता है शर्म। हमें यहाँ पर प्रयोग करेंगे नीचे, तो प्रयोग लिखेंगे ये, हमें अच्छा कार्य करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया आपका 14, तो क्या लिखा है आपका। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए। हमें सदा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। 15 है मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन थी। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव से लीन थी या लीन हो गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 17। तो ये हमारे यहाँ तक 16 तक के आंसर हो चुके थे, यहाँ पर ये 15 हो गया था, ये 16वां देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ पर लिखा मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही। क्योंकि इस संसार के दुखों को देखकर मीरा का मन दुखी हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 17। तो 17 में आपको क्या करना है, ये पंक्तियाँ दी गई हैं इनके भावार्थ लिखने हैं। तो आइए इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। मैंने
श्री यहाँ पर लिखा, मैंने कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाकर प्रेम रूपी बेल बोई है और अब वह बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, तो अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 है, तो यहाँ लिखा है किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करने से क्या फ़ायदा होता है या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, तो ये दिया गया है समय पर कार्य पूरा करने से उत्पादकता बढ़ती है, तनाव कम होता है और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला ये दिया गया 19वां, तो क्या लिखा है हमें, कबीर ने समाज सुधारने के लिए क्या क्या सीख दी हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, तो ये दिया है आंसर इसका, कबीर ने समाज सुधारने के लिए भक्ति और ईश्वर की एकता की शिक्षा दी है। उन्होंने जातिवाद, धर्मता, धर्मांधता और भेदभाव का विरोध किया है। अनेक शिक्षण ने यहाँ पर लिखा, उनके शिक्षण ने समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है अगला आपका 20, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है, इन पंक्तियों के हमें भावार्थ लिखना, हिंदी लिखनी है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेनी है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको अच्छे से नोट डाउन करके इसका कंप्लीट आंसर लिख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने, तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।